नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबरों के साथ। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे दें, जो आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए स्वीकृत रायपुर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। रायपुर को सिलेंडर खरीदने की स्वीकृति मिली है, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की स्वीकृति दी गई है। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को लेकर के ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, जहां बता दें कि रायपुर को ये बड़ी सौगात के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है और लगातार कोरोना के चलते मरीजों की जान भी जा रही है। तो रायपुर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए स्वीकृति दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। रायपुर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के आपको बता दें कि यह फैसला लिया गया है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता पलाश तिवारी उपस्थित हो गए हैं। पलाश, लगातार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं जहां कोरोना का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की भी किल्लत वहां पर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो उतनी तेजी से मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, उसके भी आंकड़े जो है वो अभी पिछले 2 दिनों से देखने के ये सामने आ रहा है कि थोड़ी राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ के लिए जरूर है। लेकिन अगर बात की जाए शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की, तो अभी भी शासन प्रशासन जो दावे कर रही है उस पर पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाई है। अभी भी लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो या वेंटिलेटर हो, इन तमाम चीजों की कमी अभी भी लगातार बनी हुई है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रायपुर को 1 करोड़ रुपए का की अनुदान राशि दी है, जिसके जो कि ऑक्सीजन खरीदने के लिए ये राशि फिलहाल रायपुर कलेक्टर को दी गई है। लेकिन बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं में कहीं भी स्वास्थ्य विभाग हो या फिर प्रशासन हो, वो बिल्कुल भी खरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मौतों के आंकड़े में नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। बिल्कुल पलाश, वही बात की जाए तो लोगों तक ये जो सुविधाएं हैं वो कब पहुंच पाएंगी, क्योंकि देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी तो साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल देखी जा रही है और यही एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है कि जिस तरीके से मौतों के आंकड़े छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि अस्पतालों में, चाहे वो निजी अस्पताल हो या शासकीय अस्पताल हो, इन तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की सुविधा जो है वो पूरी तरीके से नहीं कराई जा सकी है। न राज्य शासन लगातार जो है वो जूझ रही है इन तमाम समस्याओं से, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जो मरीज के जो परिजन है, जो टेंडर है, वो लगातार दौड़ भाग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो है वो उनके जो मरीज है वो उनकी मौत हो जा रही है, काफी ज्यादा एक चिंता का विषय अभी भी छत्तीसगढ़ के लिए बना हुआ है। बिल्कुल पलाश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।